नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर कोई आदमी ये चाहता है, जानना चाहता है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है, लड़का है या लड़की है, वो किस राशि का होगा, किस नाम का होगा। ये संभावनाएं मन के अंदर घूमती रहती हैं, सोचता रहता है आदमी, प्लानिंग करता रहता है। लेकिन उसकी जानकारी कैसे मिले? ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे निवेदन है कि जो हमारा ये चैनल है, श्री वशिष्ठ चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि ज्योतिष से, वास्तु से और धर्म ग्रंथों से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें, आप उनको जीवन में अपना करके और लाभान्वित हो सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो एक समस्या है या जिज्ञासा है, ये मनुष्य चाहता है कि मेरे लाइफ पार्टनर का नाम क्या होगा। और एक बात और बता दें हम कि लाइफ पार्टनर के साथ साथ आप जो हैं बिजनेस पार्टनर का भी इसी प्रकार से जो है चयन करें। अब लाइफ पार्टनर की बात यह है कि जो आपका सप्तमेश होता है, या तो आपकी जो भी आपकी नाम राशि है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, तो सबसे प्रथम तो जो आपका लाइफ पार्टनर है, आपका पति है या आपकी पत्नी है, उसका नाम उसी राशि में होने की संभावनाएं होती है। और दूसरे नंबर पर उसकी सप्तम राशि। अब जैसे आपकी राशि मेष है, तो मेष राशि से सप्तम राशि जो है वो तुला की होगी। तो मेष राशि वालों के या तो मेष से जो है संबंधित उनके नाम राशि होंगी, या फिर तुला से संबंधित होंगी। और तीसरा एक जो है इसमें विषय और जुड़ जाता है कि सप्तमेश किस राशि में बैठा हुआ है। सप्तमेश अगर मान लीजिए कि वो कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो फिर कन्या राशि के भी अंदर होने की संभावना हो जाती है। तो ये तीन राशियां आपके साथ में जुड़ जाती हैं। अब उनमें बलाबल देखना पड़ता है कि अगर सप्तमेश ज्यादा बलवान है, तो सप्तमेश जिस राशि के अंदर बैठा हुआ है उसके अंदर विवाह होने की, उस राशि में विवाह होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। आपकी राशि वृष है, तो वृष से सातवीं राशि होगी वृश्चिक की। तो यहां पर होगा क्या? तो वृष राशि से सातवीं राशि वृश्चिक की पड़ेगी। और वृष राशि वालों का जैसे ओ वा वी वू वे वो, ये जो अक्षर हैं, ये वृष राशि में आते हैं। तो या तो इन्हीं राशि के, इन्हीं नामों के अंदर जो है उसका नाम होगा, और या फिर उससे सप्तम, और सप्तम के अंदर वृश्चिक राशि। तो नानी नू ने नो या ई, ये अक्षर जो है उसके हो सकते हैं, या फिर सप्तमेश जिस राशि के अंदर बैठा हुआ हो। सप्तमेश अगर सप्तम में ही बैठा हुआ है, तो निश्चित है कि वृश्चिक राशि का ही आपका जो है जोड़ा होगा, लाइफ पार्टनर होगा। लेकिन वो अगर अन्य किसी राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो जिस राशि के अंदर वो बैठा हुआ है, मान लीजिए कि वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो मामी मुंह में मोटा टी, ये अक्षर जो है उसके अंदर हो सकते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है, तो मिथुन के अंदर हा घी के को का की कू घड़ छ, ये अक्षर जो है उसके अंदर आ जाते हैं। तो या तो इन्हीं नामों में से कोई होगा, या फिर इससे सप्तम में धनु राशि पड़ती है। भे भो जय जी, इन अक्षरों के अंदर, जय के अंदर जा जी जू जे जो, ये सारे अक्षर आ जाते हैं। तो उनके अंदर भी जो है आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। या फिर सप्तमेश यानी बृहस्पति कहां पर बैठा हुआ है, अगर वो मेष राशि में चला गया,
तो फिर मेष राशि का भी जो है आपका संयोग बन सकता है। कर्क राशि अगर आपकी है तो कर्क राशि वालों के लिए सप्तम की जो राशि है वो आ जाती है मकर, तो या तो कर्क राशि में ही आपका पार्टनर होगा या फिर मकर राशि के अंदर आपका पार्टनर होगा। और मकर राशि के अंदर जो नाम आते हैं वो जो भी नाम आते हैं मकर राशि के अंदर, गागी आदि, भे भो जा जी, ये अक्षर जो हैं ये मकर राशि के अंदर आते हैं, तो उसके जो हैं ये नाम हो सकते हैं। और शनि अगर कहीं और तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है तो फिर शनि जिस राशि के अंदर बैठा हुआ है और जहां पर दो योग अधिक मिल जाए तो समझिएगा कि वहां पर ये जो है प्रबल योग बन जाता है। सिंह राशि अगर आपकी है तो मामी मुंह में मोटा टी टू, ये अक्षर जो है उसके अंदर आते हैं, तो या तो इन्हीं नामों में होगा या फिर कुंभ राशि का व्यक्ति होगा। और कुंभ राशि के अंदर गो सा सी सु से सो दा, ये अक्षर जो है उसके अंदर आ जाते हैं। और कन्या राशि अगर आपकी है तो मीन राशि वाला या कन्या राशि वाला जो है आपका पार्टनर होगा, और उसके अंदर भी बृहस्पति जो है वो किस राशि के अंदर चले गए वो भी आपकी संभावना बन जाती है। और अगर ये दो योग जहां पर एक साथ मिल जाएं तो वो जो है ज्यादा उसकी संभावना बनती है। तो इस प्रकार आपके जीवन साथी का चयन आप कर सकते हैं। और अब आपको अपने जीवन के बारे में और भी किसी विषय के अंदर, जन्मपत्री के बारे में, वास्तु के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबरों के ऊपर आप जो है संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप वार्ता कर सकते हैं। और सुबह 10 बजे से सायंकाल 6 बजे तक आप फोन करके समय लें। और हम जो है कामना करते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत उन्नत हों और सुखी रहें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।